नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। फ्रेंड, आज आप लोग के कमेंट के अनुसार हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप लोग का कमेंट था Realme Android स्मार्टफोन, बहुत सारे बंदों ने, लड़कियों ने, लड़कों ने और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था Realme, Realme 6, Realme 7, Realme Narzo 30, 30 Pro। तो फ्रेंड, आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा इस वीडियो को ओपन करने से पहले, और मैंने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है Realme का लॉक तोड़ना सीखें, पासवर्ड पैटर्न पिन। अगर आपका Realme फ़ोन इस प्रकार लॉक हो चुका है, पासवर्ड पैटर्न पिन आपसे, आपके फैमिली से, आपके फैमिली रिलेटेड से, आप अपने फ़ोन को लेकर सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाते हो, पैसा देते हो, समय देते हो, फ़ोन के अंदर जो भी फैमिली फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, ऐप होता है, वो टोटल का टोटल वो लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद आपका फ़ोन अनलॉक होगा, आपको इतना बात तो पता होगा। लेकिन अगर आप इस मेथड को सही तरीके से अपने Realme फ़ोन में अप्लाई करते हो फ्रेंड, तो आपका Realme फ़ोन घर बैठे अनलॉक होता है, और वो भी बिना डाटा डिलीट किए, बिना पैसा दिए, बिना सर्विस सेंटर गए। आप अपना Realme का लॉक अपने हाथों से खोल सकते हो फ्रेंड, तो बिलीव नहीं है फ्रेंड। तो आइए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहना, 5 या 6 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम आपको पूरा मेथड समझाएंगे। तो फ्रेंड आइए इस इंटरेस्टेड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे, आपको मिलेगा पासवर्ड पैटर्न पिन, जैसा कि इस फ़ोन में पासवर्ड लॉक है। आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डायल करने के अलावा और कोई वर्क नहीं कर सकते हो। बार बार ट्राई भी करोगे, सेकेंड और मिनट शो करेगा, आपका फ़ोन कब डेथ होगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने बार बार पासवर्ड पैटर्न पिन रॉन्ग यूज किया। आपको नीचे पासवर्ड पैटर्न पिन के नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे आप क्लिक करके अपना फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वर्क करने का मौका मिलेगा, और इस पेज में इमरजेंसी कॉल के अलावा आपको कहीं भी कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन यहीं पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप भी क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड, तो आप देखिएगा कि आपके सामने एक डायलेट ओपन हो चुका है। आप देखोगे ये जो डायलेट ओपन हुआ है आपके सामने, इस डायलेट में हम आपको सबसे पहले एक कोड देंगे, जो कोड को आपको यहाँ पे हैज होगा, इस कोड को सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एक्टिव करना है। ये कोड अगर आपके फ़ोन में एक्टिव होता है तो आपके फ़ोन का जो भी FRP लॉक होता है वो रिमूव होता है। और Realme का फ़ोन हो या किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, अगर उसको अनलॉक करना है तो सबसे पहले उस फ़ोन का FRP लॉक रिमूव करना चाहिए। हर बंदे को ये बात का पता होना चाहिए। इस कोड को 2 बार कॉल करना है फ्रेंड, ताकि ये कोड आपके फ़ोन में एक्टिव हो जाए। कॉल करने के लिए कॉल पे क्लिक कीजिएगा तो कॉल फेल्ड का मैसेज आएगा, उसको ओके कीजिएगा। ये 1 टाइम कॉल कंप्लीट, फिर से क्लिक कीजिए, फिर से ओके कीजिए, कॉल फेल्ड का मैसेज आएगा। 2 टाइम कॉल कंप्लीट करके इस कोड को डायरेक्ट इरेज कर लीजिएगा, एक एक करके इरेज मत कीजिएगा। और ये सेकेंड कोड देख लीजिए, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, आगे पीछे तो करते ही रहते हैं, *#8999#, यही कोड होगा। आपके सामने इंजीनियर मोड नाम का एक पेज ओपन होगा, आप तुरंत 4 नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, तुरंत मैनुअल टेस्ट पे। ये वर्क जब स्टार्ट होता है तो इसको होल्ड नहीं किया जाता है फ्रेंड, फर्स्ट पेज को कैंसिल करके सेकेंड पेज पे आना, और ये जो जायरोस्कोप वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर लेना। ग्राफ वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ से हम आपका जीमेल ऑटोमेटिकली तरीके से ब्रेकअप करेंगे, क्लिक कर लीजिएगा और 10 सेकेंड इसको वर्किंग करते हुए छोड़ दीजिएगा, ओनली 10 सेकेंड। अगर ये 10 सेकेंड आपके फ़ोन में वर्किंग करता है तो आपके फ़ोन का जो भी ईमेल जीमेल होता है, जैसे FRP लॉक रिमूव हुआ, ठीक इसी प्रकार ये भी रिमूव हो जाएगा। जब लगे 10 सेकेंड हो गया बैक कर लेना, और जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट दिख रहा है, ये टेस्ट आपको देना है, कैसे देना है वो आप वीडियो में देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। क्लिक कीजिए, स्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट कीजिएगा, और यहाँ पे फेल आएगा तो फिर से ट्राई करना है, इसको छोड़ना नहीं है, जब तक ये पास ना दिखे तब तक इसको छोड़ना नहीं है। पास आया, वर्क कंप्लीट, बैक कर लीजिए। 3 नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है ना, वो आपको डाटा रिकवरी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, डाटा डिस्प्ले, जहाँ पे हम आपको बताएंगे डाटा आपका रिकवर कैसे होगा। सर्विस सेंटर वाले या रिपेयर मोबाइल दुकानदार वाले पैसा और समय लेने के बाद भी डाटा डिलीट कर देते हैं। डाटा डिस्प्ले पर क्लिक कीजिए, और ये XYZ 3 एंगल जो आपको दिख रहे हैं आपके फ़ोन में वर्किंग करते हुए, ये आपका डाटा रिकवरी का काम चल रहा है। इसको 30 तक या 30 प्लस तक आएगा, ये रुक जाएगा या तो आपको दिखेगा नहीं 30 प्लस के बाद। अगर ये ऐसा होता है तो आपके फ़ोन का डाटा टोटल रिकवर होता है, और वीडियो के एंड में दिखाएंगे भी वर्क कंप्लीट हो चुका है 30 प्लस। अब आपको चले जाना है सबसे लास्ट पेज पे, जिसका नाम होगा अदर्स।
अदर्स पे आने के बाद की स्टेटस जो दिख रहा होगा आपको, की स्टेटस पे आप क्लिक करना। की बोले तो चाबी, चाबी बोले तो लॉक, यहाँ पे क्लिक करना। और नेम में जितना भी की दिख रहा है आपको स्टेटस में देख लीजिए, सारा पास 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 है, कहीं फेल नहीं होना चाहिए, सारा पास 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 है। नॉट सपोर्ट वो चलेगा, लेकिन कहीं भी फेल नहीं है, देख सकते हो। अगर जिसका भी स्क्रीन पे ऐसा शो कर रहा है, सबके स्क्रीन पे कर रहा होगा, तो आपको साइड में लॉक बटन दिखेगा। अगर ऐसा शो करने के बाद लॉक बटन को प्रेस करके रखे रहिएगा, आपके सामने ऑप्शन खुलेगा क्या, देख लो, इमरजेंसी रीस्टार्ट पावर ऑफ लॉक स्क्रीन। आप लोग को रीस्टार्ट करना है इस फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट किया मैंने इस फ़ोन को। अब आप लोग वीडियो में बने रहना, ताकि आपको पता चले कि मैंने जो भी मेथड आपके फ़ोन में बताया है वो आपके फ़ोन में एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब ये फ़ोन रीस्टार्ट होने वाला है, हो चुका है। अब ये आपके सामने अभी देखोगे कि आपके फ़ोन में जो भी वर्क हुआ वो कम्प्लीटली एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ है। तो ये फ़ोन को पहले देख लिया जाए कि ये फ़ोन अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए फ्रेंड आप लोग वीडियो में बने रहना, ताकि आपको पता चले आपका फ़ोन अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ है। आप देख सकते हो फ्रेंड अपनी आंखों से कि ये रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक हो चुका है, रीस्टार्ट होके ओपन हुआ। और इस फ़ोन का डाटा देख लो फ्रेंड, इस फ़ोन का टोटल डाटा रिकवर है, एक भी इस रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन का डाटा डिलीट नहीं हुआ है। पैसा बचा, समय बचा, डाटा बचा, जो भी वर्क हुआ आप लोग के सामने हुआ। तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है, लॉक हो चुका है, लॉक नहीं हो रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पर मॉडल नंबर के साथ कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा मदद करूँगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।